सुकाई स्टूडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज स्टूडियो में फ्रेंड्स एक नया आइसोमेट्रिक व्यू लेकर आए हैं जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सामने। इसी ड्राइंग को मैं आज इस वीडियो में शुरू से अंत तक बना करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटा को दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताए थे थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन खींचा हुआ है जो कि नीचे एक लाइन खींचा हुआ है, इसी लाइन से ये ड्राइंग बना है। ठीक है, ये लाइन नहीं रहेगी तो नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग भी फ्रेंड्स एक नीचे जो कि ड्राइंग का लाइन खींचेंगे। ओके, आधार लाइन जिसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से। ओके, अब फ्रेंड्स हम लोग इस ड्राइंग को जब बनाए थे फ्रेंड्स तो यहाँ पर हम पॉइंट दिए थे, तो फ्रेंड्स हम लोग भी यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं। देखिए हो गया, अब इसी पॉइंट से फ्रेंड्स हम लोग का ड्राइंग बनना स्टार्ट होगा। इस पॉइंट से इधर 50 mm की दूरी गई है, और तो हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर इस पॉइंट से 50 mm की दूरी इधर ले जाएंगे और 100 mm की दूरी इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग सेट स्क्वायर को सेट करेंगे। हमेशा फ्रेंड्स इस लाइन पर हम लोग को सेट करना है और पॉइंट पर सेट करना है, दो ही काम इसमें आप लोग करना है केवल। देखिए दोनों काम हो गया फ्रेंड्स हमारा, ये सेट स्क्वायर भी हमारा ये लाइन को बिल्कुल सेट हो गया है और पॉइंट पर भी सेट हो गया है। कहीं भी एक पॉइंट लगा देंगे हम लोग, और फ्रेंड्स इस पॉइंट से 100 mm की दूरी यहाँ पर हम लोग खींचेंगे। 100 mm की दूरी के लिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यहाँ तक आएगा फ्रेंड्स। इसको हम लोग फ्रेंड्स मिला लेते हैं। ये 100 mm की दूरी फ्रेंड्स हम लोग का तैयार हो गया, आप लोग देख सकते हैं। इधर भी फ्रेंड्स हम लोग 50 mm की दूरी जो कि इस पॉइंट से हम लोग सेट स्क्वायर सेट करेंगे और खींचेंगे। सेट स्क्वायर को फ्रेंड्स हम लोग सेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए सेट स्क्वायर हमारा बिल्कुल ये लाइन पर सेट हो गया है और यहाँ पर पॉइंट पर भी सेट हो गया है। अब कहीं भी एक पॉइंट लगा लेंगे और 50 mm की दूरी इस पॉइंट से खींचेंगे। देखिए फ्रेंड्स 50 यहाँ पर 5 है तो 50 mm की दूरी यहाँ पर आएगा। अब इस पॉइंट को हम लोग मिला लेते हैं इसमें। आगे फ्रेंड्स हम लोग को 20 mm की दूरी यहाँ पर खींचना है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट से सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और 20 mm की दूरी खींचेंगे। सेट स्क्वायर को हम सेट कर दिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। और 20 mm देखिए 10 ये हुआ, 10 ये, यानी कि 20 mm। ये देखिए इसको सीधा करके दिखाते हैं आप लोग को, ये 20 mm की दूरी हम लोग की तैयार हो गई। आगे फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 70 mm की दूरी खींचेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग 70 mm सेट स्क्वायर को फ्रेंड्स सेट करेंगे इस पॉइंट से, जैसा कि हम सेट कर रहे हैं। देखिए पॉइंट पर सेट हो गया लाइन पर, और ये पॉइंट भी सेट हो गया। इधर कहीं भी हम लोग एक टिक लगा देंगे और 70 mm की दूरी फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग खींचेंगे। देखिए 7 यहाँ पर है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से आएगा, इसको हम लोग मिला लेते हैं 70 mm। आगे फ्रेंड्स क्या करना है हम लोग को, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग फ्रेंड्स इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेते हैं बिना नापे। फ्रेंड्स अब हम लोग को इस पॉइंट से सेट स्क्वायर को सेट करना है, 30 एम की दूरी खींचना है। तो चलिए हम लोग सेट स्क्वायर को इस पॉइंट से सेट करते हैं और 30 एम की दूरी खींचते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कहीं भी एक टिक लगा लेते हैं और 30 mm की दूरी यहाँ पर हम लोग खींचेंगे।
देखिए तीन यहाँ पर रेफरेंस यानी कि 30 यहाँ पर आएगा, तो इसको हम लोग खींच देते हैं 30 mm की दूरी। फ्रेंड्स सेम कार्य हम लोग को यहाँ पर भी करना है, जो कि इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और 30 mm की दूरी यहाँ पर खींचेंगे। चलिए सेट स्क्वायर को सेट करते हैं इस पॉइंट से। सेट स्क्वायर हमारा सेट हो गया है फ्रेंड्स, पॉइंट पर भी सेट हो गया है और लकीर पर भी सेट हो गया है, कहीं भी पॉइंट लगा लेंगे। और यहाँ पर हम लोग 30 mm की दूरी खींचेंगे फ्रेंड्स। तीन यहाँ पर है तो तीन हम लोग यहाँ से पूरा करते हैं इसको, जो कि 10, 20, 30 ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे क्या करना है हम लोग को, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेते हैं बिना नापे। फ्रेंड्स हम लोग को आगे यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से 30 mm की दूरी ऊपर गई है, तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग 30 mm की दूरी ऊपर ले जाएंगे। देखिए पॉइंट पर बिल्कुल हमारा सेट है ये लकीर, तो 10, 20, 30 यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स। 30 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। आगे फ्रेंड्स हम लोग को 20 mm की दूरी यहाँ से यहाँ तक खींचना है, तो चलिए इस पॉइंट पर हम लोग सेट स्क्वायर को सेट करते हैं और 20 mm की दूरी खींचते हैं। सेट स्क्वायर हमारा सेट हो गया फ्रेंड्स, कहीं भी एक पॉइंट लगा लेंगे और 20 mm की दूरी यहाँ पर हम लोग खींचते हैं। देखिए फ्रेंड्स दो यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10 और ये 20, तो 20 हम लोग की दूरी ये खींचा गया। अब फ्रेंड्स हम लोग को इस पॉइंट से 40 mm की दूरी और इस पॉइंट से भी 40 mm की दूरी खींचना है, तो चलिए इस पॉइंट पर हम लोग सेट स्क्वायर को सेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स दोनों काम हो गया, जो कि लकीर पर भी सेट हो गया और पॉइंट पर भी हमारा सेट हो गया है। अब कहीं भी एक पॉइंट लगा लेंगे और 40 mm की दूरी यहाँ पर हम लोग खींचते हैं। 40 mm आप लोगों का यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पर खींच देते हैं लाइन। अब इस पॉइंट से भी खींचना है, तो इस पॉइंट पर हम सेट स्क्वायर सेट करते हैं। कहीं भी एक टिक लगा लेंगे फ्रेंड्स हम लोग और 40 mm की दूरी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आएगा हम लोग का 40 mm, जो कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 10, 20, 30, 40 तो यहाँ पर आएगा, तो इसको हम लोग खींच देते हैं रेखा। आगे क्या करना है फ्रेंड्स आप लोग को, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेते हैं। तो चलिए सेट स्क्वायर से हम लोग मिला लेते हैं इसको। ये फ्रेंड्स हम लोग का मिल गया। फ्रेंड्स आगे क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेते हैं। ओके देखिए फ्रेंड्स मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। अब आगे क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेते हैं ठीक है। बहुत ही आसान ड्राइंग है फ्रेंड्स, आप लोग खुद बना लेंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसा आप लोग का ये ड्राइंग बना हुआ है बिल्कुल सेम वैसा ही आप लोग का ये ड्राइंग बना हुआ है ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे आप लोग को नया ड्राइंग लेकर के मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।